सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके चलते हैं सबसे पहले एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स पे जाने के बाद मैं एक और बात बता दूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं 101% लोगों ने देखा है, आप थोड़ा इमेजिन करें, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके एनालिटिक्स में और मैं आपको फुल हर चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इस वीडियो पर 1600 व्यूज़ आए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑडियंस रिटेंशन, ये होता है ऑडियंस रिटेंशन, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 101.8% ऑडियंस रिटेंशन है। मतलब वीडियो को 10 सेकंड से 20 सेकंड के दरमियान में बनाना है। अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आपने डालनी भी है शॉर्ट में, तो आपने उस वीडियो को 2 या 3 वीडियो में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके चैनल पर डेली की 2 से 3 वीडियोज़ भी आएंगी, और साथ साथ एक ये जो टिप्स है कि आपने कम सेकंड के रखने हैं, ठीक है, वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैंने इसको 8 सेकंड का रखा, ठीक है, लोगों ने इसको बार बार देखा। अब मुझे इस पर क्या हुआ, 1600 व्यूज़ मिले, ठीक है, तकरीबन 4 घंटे मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सब्सक्राइबर, मुझे इसमें से 4 सब्सक्राइबर मिले हैं। अगर मैं इस तरह से अपलोड करता रहता तो मुझे इस पर और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलना था, मैंने सिर्फ आपको सिखाना था। उसके बाद फ्रेंड्स आप ऊपर देखें रीच, मैं यहाँ पर रीच पर क्लिक करता हूँ। रीच पर जाने के बाद उसके बाद चलते हैं ये वाली, अब ये हमारी रह गई सेकंड टिप्स, ठीक है। ये आपको सेकंड टिप दे रहा हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, अपनी शॉर्ट पर जब भी आपने अपनी शॉर्ट अपलोड कर देनी है, जब उसको 5 घंटे हो जाएं, 5 घंटे के बाद आपने उस शॉर्ट पर आना है, ठीक है। उस शॉर्ट पे आने के बाद रीच में आना है। रीच पे आने के बाद ये वाला जो पेज देख रहे हैं आप, यूट्यूब सर्च टर्म, इस पर आना है। यहाँ पर जो भी आपको टैग मिले उनको आपने उठा के अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में डाल देना है, और उन्हीं को हैशटैग भी बनाना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो टाइटल में हैशटैग होंगे वो वही रहेंगे। तो गाइस आपने देख लिया पूरा एनालिटिक्स, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको 2 टिप्स भी दी। नंबर 1, आपने वीडियो को 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। और नंबर 2, आपने यहाँ रीच वाले ऑप्शन में आना है वीडियो अपलोड करने के 5 घंटे के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने YouTube सर्च टर्म में आना है। YouTube सर्च टर्म में आने के बाद ये यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट मिलेंगे, टैग मिलेंगे, उनको आपने हैशटैग डिस्क्रिप्शन में टैग्स के तौर पर और इसको टैग सेक्शन में भी डाल देना है, ठीक है। अब चलते हैं कि वीडियो को किस तरह से अपलोड करें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को अपलोड करने का तरीका सीखते हैं। तो आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है, नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में आने के बाद आपने अपलोड वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक। आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है, फिर अगेन नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बारी आती है, आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ से टाइटल देना है, ठीक है। टाइटल आपने बिल्कुल छोटा सा देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है, ये 3 हैशटैग आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने, शॉर्ट्स, उसके बाद YT शॉर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट वीडियोज़, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। इसके बाद आपने एक हैशटैग देना है जो आपकी वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि क्रिकेट वीडियो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक हैशटैग देना है जो इस क्रिकेट में हो रहा है, इस यानी इस वीडियो में हो रहा है, मतलब कि इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है। तो बस इतना ही। उसके बाद आपने फ्रेंड एक और हैशटैग देना है, एक और हैशटैग यहाँ पर आपने देना है वायरल शॉर्ट, ठीक है, वायरल शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है, इस टेक्स्ट को आपने जिस तरह मैंने बताया कॉपी कर लेना, ठीक है, पूरे टाइटल को और हैशटैग को, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से पब्लिक करना, इधर ही पब्लिक कर दें, अदरवाइज़ आपने यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, नो इट नॉट फॉर मेड किड्स, ठीक है। इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई सेलेक्ट ना भी करें तो ठीक है। उसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या, आपने आना अपने YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में आने के बाद आपने नीचे कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसी वीडियो को आपने दोबारा सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने इस तरह से इसको एडिट करना और डिस्क्रिप्शन में आके ये वाला जो टाइटल आपने दिया था इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद आपने हैशटैग देना है। हैशटैग देने के बाद आपने 3 हैशटैग और देने हैं जो आप ट्रेंडिंग दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं जैसे देता हूँ यहाँ पर ट्रेंडिंग शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या, क्रिकेट वायरल वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे एक और हैशटैग देना है, यानी आपने डिस्क्रिप्शन में आपने 10 हैशटैग देने हैं, हैशटैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ एक और हैशटैग देता हूँ वायरल वाला, ठीक है। तो इतने हैशटैग बहुत है, मैंने आप ये इतने हैशटैग दे दिए, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है, ये जो ऊपर वाला टाइटल है इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी और इसको आपने कर देना है सेव।
सेव करने के बाद अब आपने करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपने सर्च करना है rapidtext.io, ठीक है io। उसके बाद आपने इस पे आने के बाद वो वाला टाइटल जो आपने कॉपी किया है यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सर्च करके सामने बहुत सारे टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। उनको आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में आने के बाद उसी वीडियो को आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने टैग वाले सेक्शन में आना, ठीक है। यहाँ पे आपने एक यहाँ पे टैग पेस्ट कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे टैग पेस्ट कर देता हूँ। वाइट स्टूडियो में एक यही है कि इसमें टैग पेस्ट नहीं होते। यहाँ पे आपने टैग दे देना, ठीक है। तमाम टैग पेस्ट करने के बाद अपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना। सॉरी, यहाँ पे आपने नीचे देखना, देखो रिस्ट्रिक्शन यानी कॉपीराइट भी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अनलिस्ट पे आना है और इसको कर देना पब्लिक, ठीक है। पब्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको करना है सेव। सेव करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। अगर आप वीडियो चाहते हैं कि हम अपने शॉर्ट वीडियो पर किस तरह से थंबनेल लगाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पे बना दूंगा कि हम शॉर्ट वीडियो पर बता सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आपने 10 वीडियो अपलोड करनी है, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपकी वीडियो पर व्यूज़ भी आएंगे और हर वीडियो पर व्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।